हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल DRX दादा पर। अभी मैं हूँ ऊटी में और मैंने होटल लिया था, होटल स्टर्लिंग फर्न हिल में। तो चलिए अभी हम विजिट कराते हैं आपको इस होटल के बारे में, कैसा क्या होटल है, क्या कैसे रूम है और क्या प्राइस है इसकी। तो चलिए मिलते हैं आप आगे। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं होटल में अंदर की ओर। ये देखिए, यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है रिसेप्शन की तरफ, इधर जाए कार पार्किंग इधर साइड में है, रेस्टोरेंट भी आगे की ओर है। तो अभी हम चल रहे हैं ऊपर रिसेप्शन की तरफ, आपको दिखाते हैं। ये देखिए, रिसेप्शन के बाहर का नज़ारा है। यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपकी कार पार्क होगी और उसके बाहर छोटा सा गार्डन भी है। यह है रिसेप्शन एरिया। यहाँ पर जो भी इनकी एक्टिविटी होती हैं वो सारी यहाँ पर लिखी हुई हैं, और इनका 2023 का ऑफ़र जो चल रहे हैं वो सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं। IPL के भी ऑफ़र चल रहे हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं इधर का नज़ारा, जिधर का इनका हॉल है, और इधर एक बार काउंटर भी है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। वो देखिए, उधर इनका होटल का बार भी है। ये टियास हॉल है, जहाँ पर आप कोई भी कार्यक्रम प्रोग्राम होता है वो सारा वहाँ होता है। अभी हम आपको ले कर चलते हैं रेस्टोरेंट के अंदर। ये देखिए, यहाँ पर टाइम भी डिनर टाइम लिखा हुआ है अभी कि किस समय कितना ट्रैफिक रहता है। अभी हम चल रहे हैं आपको यहाँ पर रेस्टोरेंट के अंदर लेके चल के दिखाते हैं आपको पूरा नज़ारा यहाँ पे। ये देखिए, ये अंदर का नज़ारा है रेस्टोरेंट के। ये देखिए, सब लोग यहाँ पर लंच कर भी रहे हैं। ये देखिए, ये पूरा इनका मेन्यू रहता है, पूरा सब कुछ लगा भी हुआ है। चलिए आपको हम आगे से भी दिखा देते हैं। अगर आप ग्रुप के साथ भी आए हैं फिर भी यहाँ काफ़ी सफिशियंट स्पेस है इनके रेस्टोरेंट में। आप आराम से यहाँ पर बैठकर लंच और डिनर कर सकते हैं। देखिए कितने लोग इधर कर भी रहे हैं, और यहाँ इनका अलग अलग सारे काउंटर हैं, इधर से आप रोटी ले सकते हैं। ये देखिए, इधर इनका पूरा मेन्यू लगा हुआ है। नॉनवेज का पूरा इन्होंने पूरा अलग ही किया हुआ है कि वेज का पूरा अलग रहता है, नॉनवेज का अलग रहता है। दोस्तों, ये होटल में नीचे साइड जिधर साइड रूम है सारे, हमारा रूम भी इधर ही था। तो ये इधर हमारा रूम था, उसके नीचे इधर पूरा एक गार्डन है। यहाँ पर कुछ एक्टिविटी भी होती हैं, जिप लाइन है। ये देखिए, यहाँ पे आके आप एक्टिविटी पेड है, आप जिप लाइन कर सकते हैं, और छोटे बच्चों के लिए ये झूले भी लगे हुए हैं, उनके भी लिए भी मनोरंजन का। और यहाँ से पूरा वैली दिख रही है। देखिए, अभी हम आपको लेके चलते हैं अपने रूम की तरफ और दिखाते हैं कि कैसा रूम है। हम लोग टोटल 4 लोग थे, तो उस हिसाब से कॉटेज वाला रूम हम लोगों ने लिया था, डबल बेडरूम का। तो चलिए, ऐसे कार लगाकर एंट्री होती है हमारी। ये देखिए, बीच में एक पैसेज है, यहाँ पर इधर सोफ़ा पड़ा हुआ है, और इधर इस साइड देखेंगे तो चेयर पड़ी हुई है, कैटल रखी हुई है। आप यहाँ पे आराम से कुछ स्नैक्स और चाय पी के आराम से बैठ सकते हैं, TV देख सकते हैं। इधर एक, ये एक बेडरूम है, सिंगल बेडरूम है, यहाँ पर 2 लोग के लिए सफिशियंट है। अभी हम अपना रूम दिखाते हैं, क्योंकि उस साइड है। एक वॉशरूम इनका इधर है, और ये हम लोग का रूम था। तो अभी चलते हैं, वो भी दिखाते हैं। ये हम लोग का रूम था, ये देखिए। 2 लोग के लिए अगर आप हैं तो सफिशियंट रूम है, काफ़ी अच्छा क्लीन रूम है। और ये दिखाते हैं अभी हम, ये मैं हूँ, ये वॉशरूम था, काफ़ी सही था। अभी हम रूम से निकल के बाहर आपको नज़ारा दिखाते हैं कि रूम से जस्ट बाहर का व्यू कैसा आता है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, जैसे ही हम रूम से बाहर निकलेंगे तो ये, मतलब शाम को तो ये जगह और भी अच्छी लगती है। जब भी आप शाम को यहाँ पे बैठेंगे तो ये लाइट्स में यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा लगेगा। ये एक छोटा सा गार्डन और है, ये होटल्स के जैसे रेस्टोरेंट के बाहर का एरिया है। यहाँ से अभी हम पूरा वैली का व्यू दिखाएंगे आपको। यहाँ पर आप बैठ सकते हैं अगर आप पूरा टूर के साथ आए हैं, कई लोग हैं आप। ये देखिए, यहाँ पर कितना अच्छा व्यू आ रहा है। दोस्तों, अभी हम चलते हैं इनका जो मेन गार्डन है होटल का, वहाँ पर आपको ले कर चलते हैं। वहाँ का व्यू देखिएगा, वहाँ पर आप फोटो क्लिक करवा सकते हैं। बहुत अच्छा नज़ारा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा चारों तरफ। यहाँ पर जितने भी फूल और प्लांट्स लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छा व्यू आएगा। अभी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये इनका एक बाहर बहुत अच्छा गार्डन है। यहाँ पे आके आपको शाम को बैठेंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको। इधर से भी काफ़ी रूम है,
अगर आप इधर के कुछ रूम की कॉस्ट ज़्यादा है, आप अगर आपको अच्छा लगे तो आप इधर के रूम भी बुक कर सकते हैं। ये देखिए, इसे टोडा हट कहते हैं। ये एक छोटा सा बना हुआ है, अंदर चार स्टूल्स रखे हुए, वहाँ पे भी आप बैठ सकते हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे अंदर इसके भी। ये देखिए, पूरा इसके फ्लावर्स जितने भी हैं, प्लांट हैं, वो सारे इसमें मेंशन भी हुए हैं। ये देखिए, यहाँ से बाहर का व्यू देखिए, कितना गजब का व्यू लग रहा है। कुछ एक्टिविटी भी होती हैं, ये देखिए, जैसे यहाँ पे आप आके पेड एक्टिविटी भी कर सकते हैं। ये 150 में 12 राउंड ये लोग देख करवाते हैं।